के सामने अभी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी की दो फंडामेंटल्स है, दो प्रमुख प्रिंसिपल है। दो प्रिंसिपल ये है, ये रूटेड रहेगा, जमीन से जुड़ा रहेगा, जड़ से जुड़ा रहेगा, और ये 21वीं सदी का दृष्टि से आगे देखेगा। 21वीं सदी का दृष्टि यानी उसको एक उदाहरण में आपको बताऊं आपके सामने, वो है चैट जीपीटी। साल भर पहले यहां बैठे हुए ज्यादातर लोगों को चैट जीपीटी के बारे में जानकारी नहीं था, ये जानकारी अभी पिछले साल भर के अंदर का है। भारत पिछले 9 सालों के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम डिजिटल इंडिया की मुहिम छेड़ेंगे, कुछ नेगेटिव माइंड के लोग उन्होंने आलोचना किया, टीका किया, डिजिटल इंडिया होगा। और आज दुनिया मैं कहता हूं दुनिया, आज दुनिया में अगर 100 रुपया की ट्रांजैक्शन होती है डिजिटल प्लेटफॉर्म में, भारत में ही केवल 46 रुपया का 40% होती है, 100 में से 46 भारत में ही होती है, एक नंबर की है। आपके परिवार में कई लोग विदेश में रहते होंगे, बच्चे पढ़ने के लिए गए होंगे या परिवार का कोई रहा होगा, आप उनको थोड़ा आज फोन करके पूछिए कि आपकी टेलीफोन बिल की खर्चा कितना है। कम से कम $100 उस देश में, $100 यानी अनुराग जी कितना हुआ, 8,000। और भारत में हम तीन बार देखते मेरे बिल सही आए कि नहीं, 800 रुपया से ऊपर नहीं जाता है, मैं 800 तक गया, मेरे 800 की रेंज में आता है। मैं हर एक बार देखता हूं कि मैं इतना बात करता हूं, 800 ही मैं डाटा इतना यूज करता हूं। ये डिजिटल इंडिया। तो जब मैंने फंडामेंटल्स कहा कि हमें जड़ से जुड़ना है और 21वीं सदी को देखना है, तब किसी ने कहा तो फिर क्या पुराने चीजों की ओर ले जाओगे भारत की शिक्षा व्यवस्था को। तब मेरे को जो चीज मैंने आचार्य जी के वहां देखा था, तब मेरे मन में वो आया और उसको प्रभावित होकर मैंने कुछ उत्तर दिया। आप क्या समझते हो जड़ से जुड़ना यानी क्या होती है? जड़ से जुड़ना ये कोई दक्यानुषी बात होती है क्या, या कोई ये बैकवर्ड मूवमेंट होती है क्या? है, कुछ लोगों ने मैकॉले से प्रभावित, कुछ लोगों ने देश में एक नैरेटिव को पिछले 75 साल से, उसकी पहले चला 150-200 साल से चला, लेकिन 75 साल से छोड़े नहीं, जिन्होंने पाश्चात्य के प्रभाव से बाहर आने का जिनकी मन में हिम्मत नहीं हुई, वो एक पुराने व्यक्ति अमूमन यथास्थितिवादी होता है। ये कोई आज की विषय नहीं है। अगर पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे विद्वान यथास्थितिवादी नहीं होते तो द्रौपदी की चरित्र आज ऐसे नहीं होता, महाभारत नहीं होता, क्योंकि प्रतिवाद करते कैसे महिला को आप अत्याचार कर रहे हो, ऐसे तो नहीं करनी चाहिए। दुर्योधन, आपके अहंकार को आप सीमा में रखो, उनको दे दो, कुछ गांव दे दो, वो चलाने दो पांडव को अपने तरीके से।